स्लो बजाए। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के अच्छे दिन के लिए। मैं
कोई शुक्रगुजारी करना चाहता है जल्दी से आए। शक्ति मां
परमेश्वर का शुक्रिया अदा करें। आपको मालूम है गवाहियां जो हैं, ये गवाहियां क्या हैं और क्यों गवाहियां दी जाती हैं? गवाहियां इसलिए दी जाती हैं ताकि परमेश्वर की महिमा हो। परमेश्वर ने जो आपके जीवन में किया है उसके लिए आप परमेश्वर को महिमा दें, उसको महिमा दें। पहला काम जब आप गवाही देते हैं परमेश्वर को महिमा देते हैं। दूसरा काम जब आप अपनी गवाही को बताते हो और दूसरे को बताते हो कि परमेश्वर कर सकता है। जब आप बीमारी की अवस्था में थे, आपने प्रार्थना करी, परमेश्वर ने आपको चिंता किया, तो आप एक मैसेज दे रहे हो। दूसरा व्यक्ति जो बीमार है उसको ये संदेश मिल रहा है कि भाई यदि तुम बीमार होंगे तो परमेश्वर तुम्हें भी कर सकता है। यदि वो परमेश्वर मेरे लिए कर सकता है तो आपके लिए कर सकता है। ये दो चीजें आप करते हो जब अपनी गवाही को आप बांटते हो। और इसलिए हम सबके लिए भी ये जरूरी हो जाता है कि जब गवाही दी जा रही है हम ध्यान दें। अभी आप ध्यान नहीं दे रहे हो, किसी ने बताया कि मैं समस्या में थी, समस्या में था और प्रभु ने मुझे छुटकारा दिया, प्रभु ने मेरे को चंगाई दी, परमेश्वर ने मुझे छुड़ा दिया, आजाद कर दिया। आप सुन नहीं रहे हो, आपको नहीं पता, खुद भी शायद ऐसी समस्या में पड़ने वाले हो। आज शायद भी नहीं हो, लेकिन हो सकता है आने वाले हफ्ते में या दो हफ्तों में वैसी समस्या आपके पास आए। लेकिन जब आपको मालूम होगा कि हाँ परमेश्वर ऐसा कर सकता है, तो उस समय ये गवाही आपकी मदद करेगा। इसलिए जरूरी है कि जब गवाही दी जा रही है, पहली चीज तो परमेश्वर की महिमा हो रही है। अगर परमेश्वर की महिमा हो रही है आप बोल रहे हो मैं तो कर रहा हूं परमेश्वर की महिमा, तो आप क्या कर रहे हो? उस महिमा का निरादर कर रहे हो। आप परमेश्वर की महिमा का निरादर कर रहे हो, डिसरिस्पेक्टिंग गॉड्स ग्लोरी। दूसरी चीज, आपको जो परमेश्वर सिखाना चाह रहा है आप उसके लिए दरवाजा अपना बंद कर रहे हो। इसलिए जरूरी है कि हम इस समय का आदर करें, इज्जत दें। अगर और कोई गवाही जल्दी से बताए इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। आज
तो मिलने वाला है, आज तो पैसे आने वाले हैं, आज सैलरी आने वाली है। आज परमेश्वर आपकी सैलरी से बढ़कर आज परमेश्वर उन भौतिक चीजों से मटीरियल चीजों से ज्यादा बेहतर चीज आपके जीवन में करने वाला है। लेकिन अभी विश्वास से विश्वास करें कि परमेश्वर हमारे जीवन को कार्य करने जा रहा है। एंड वी कैन गेट एक्साइटेड, हालेलुया, हम लोग एक्साइटेड हो सकते हैं क्योंकि परमेश्वर आज वो आशीष आपको देने जा रहा है। यदि आप विश्वास कर रहे हैं आप एक्साइटेड हो सकते हैं और परमेश्वर की शुक्रगुजारी करना शुरू कर सकते हैं क्योंकि परमेश्वर देने जा रहा है। हालेलुया, हालेलुया। आइए तो अपने स्थान पे खड़े हो और गीत गाकर परमेश्वर की तारीफ करें। Yeah.
जब मैं समस्याओं में घिरा होता हूँ प्रभु, तब मुझे तेरी समीपता में पनाह मिलती है, आराम मिलता है, तसल्ली मिलती है। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं कि मेरा वो दृढ़ गढ़ है जहाँ पे मुझे सामर्थ्य मिलती है, जहाँ पे मुझे बल मिलता है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। आइए उसे अपने हाथ को उठाएं और उस परमेश्वर का धन्यवाद करें जिसने मेरे और आपके लिए सब कुछ किया है, जिसने सब कुछ किया है मेरे और आपके लिए, उसका धन्यवाद करें, उसकी शुक्रगुजारी करें। Amen.
आपके चरणों में, हम प्रभु आपके चरणों में आते हैं यीशु मसीह के नाम के द्वारा। प्यारे पिता, हम आपके नाम को सारा आदर और महिमा देना चाहते हैं। खुदावन, हम तेरा शुक्र करते हैं कि तूने अपने बेटे को हमारे लिए दुनिया में भेज दिया। प्रभु आपने हमें वो नाम दे दिया, प्रभु वो नाम हमें दीजिए जिस नाम में जिंदगी है, जिस नाम में हर आशीष है। प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपने वो यीशु नाम मुझे दे दिया, वो यीशु नाम प्रभु आपने हमें दे दिया। खुदावन, जिस नाम के द्वारा प्रभु हमारी पहुंच आसान होती है, ओ खुदावन हम धन्यवाद करते हैं यीशु नाम के लिए। खुदावन धन्यवाद करते हैं प्रभु इस सुबह के लिए और प्रभु आपकी उपस्थिति के जो स्थान में है, ओ खुदावन धन्यवाद करते हैं प्रभु तेरी उस बड़ी महिमा के लिए जिसने प्रभु इस स्थान को भर दिया है। ओ हालेलुया, प्रभु ये स्थान प्रभु आपने आपने प्रभु जी चुन लिया है, ये स्थान खुदावन तूने अपनी महिमा से भर दिया है, तूने अपने सिंहासन तुम्हारे मद में लगाया है। हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं, दुआ करते हैं प्रभु ये हमारे होटल का बलिदान, हमारी ये स्तुति, ये आराधना प्रभु आपको पसंद आए। ओ मेरे परमेश्वर, आज की सुबह खुदावन तूने ऑलरेडी प्रभु बहुत से लोगों को छका कर दिया है, छुटकारा दे दिया है और प्रभु आशीषित कर दिया है। ओ लॉर्ड, हम धन्यवाद करते हैं आपका फॉर ऑल द ब्लेसिंग्स प्रभु, हर एक आशीष के लिए खुदावन जो हमें दिखाई दे रही है और जो हमें अभी दिखाई नहीं दे रही है। प्रभु हर उस आशीष के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु। ओ हालेलुया, धन्यवाद करते हैं प्रभु। और हम प्रभु समय देख सकते हैं कि आपके स्वर्गदूतों की टोली अपने उपस्थित कर आपकी स्तुति कर रही है, आपकी आराधना कर रही है। हालेलुया, प्रभु आपका नाम पवित्र है, पवित्र है पिता, आपका नाम पवित्र है, पिता पवित्र है। यू आर होली, यू आर होली, ओ लॉर्ड यू आर होली। प्रभु आप पवित्र है, आप पवित्र है परमेश्वर, आप पवित्र है, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी प्रशंसा हो। हालेलुया, प्रभु आज की सुबह चाहते हैं खुदावन तुमसे बातचीत करना, तुमसे बातचीत करना। बहुत सी ऐसी बातें हैं, बहुत से ऐसे सवाल है हमारे हृदय में खुदावन, आज की सुबह प्रभु तुमसे बातचीत कर, आज की सुबह खुदावन लोग तेरे आत्मा के द्वारा तृप्त होने पाए। ओ पवित्र आत्मा, तेरा स्पर्श प्रभु के लोगों को मिलने पाए। पवित्र आत्मा आज एक एक जन तेरे द्वारा तृप्त होने पाए प्रभु। ओ तेरा मसा, तेरा अभिषेक आजाद कर दे लोगों को खुदावन। ओ हालेलुया, जो लोग सुन रहे हैं देख रहे हैं प्रभु, हर एक जन प्रभु यीशु मसीह के नाम से पवित्र आत्मा के द्वारा इस समय आजाद हो जाए, स्वतंत्र हो जाए, बीमारियां छोड़ के चले जाए यीशु के नाम में। ओ हाथे देखने लग जाए, उनके बोलने लग जाए, लड़ने चलने लग जाए यीशु के नाम में। हालेलुया, ओ प्रभु जी मैं प्रार्थना करता हूँ तेरी सामर्थ्य इसी समय तेरे लोगों को छुए खुदा। ओ थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। ओ हालेलुया, धन्यवाद। आइए परमेश्वर धन्यवाद करें, आइए तालियां बजाएं और परमेश्वर का महिमा कीजिए। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। प्रभु तुम्हारे कान को खोल, प्रभु के सुनना सुनने वाले कान दे प्रभु और ग्रहण करने वाला हृदय दे खुदावन। जब तू हमें सिखाए, जब तू हमारे हमारे में सुधार की बातें करे तो हमारा हृदय तेरी बातों को ग्रहण करे खुदावन। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु एक एक मन को तू नम्र बना, हलीम बना और प्रभु आज की सुबह तेरा वचन हमारे दिलों में ग्रहण होने पाए प्रभु, हमारे जीवनों में तेरा वचन कार्य करने पाए प्रभु। मैं हर एक हृदय को प्रभु तेरे हाथ में सौंपता हूँ पवित्र आत्मा, और मेरी दुआ है कि प्रभु हमें इतना हलीम कर दे, इतना नम्र बना दे प्रभु कि तेरे सुधार को हम ग्रहण करें, तेरे वचन को हम ग्रहण करें खुदावन। ओह थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। नम्रता आती है महिमा से पहले, नम्रता आती है और नाश होने से पहले घमंड आता है। और आज की सुबह अपने आप को नम्र कीजिए, आज की सुबह नम्र हो जाइए, नम्र हो जाइए। यदि आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपको ऊंचा उठाए, यदि आप ऊंचे स्थान पर पहुंचना चाहते हैं, आज अपने आप को नम्र कर लीजिए, आज अपने आप को नम्र कर लीजिए। Humble yourself, humble yourself। और अपने आप को जब आप नम्र करेंगे तो आप परमेश्वर की महिमा अपने जीवन में आते हुए देखेंगे। आज की सुबह परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करने जा रहा है, आज की सुबह परमेश्वर आपको ब्लेस करने जा रहा है, आज की सुबह परमेश्वर आपको बनाने जा रहा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु आगे की बात को आपके दिल में सौंपते हैं, दुआ करते हैं अपने कलाम के द्वारा, अपने वचन के द्वारा हमसे बातचीत कीजिए प्रभु।
के नाम से मांगते हैं। आमीन। सब बैठ सकते हैं।